महागठबंधन का जो औपचारिक घोषणा होनी चाहिए थी, इनका रूप, इसका शेप बन जाना चाहिए था, तो ये दुविधा शायद आज नहीं होती और हम हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर करना, इसको लेकर समान विचारधारा और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक महागठबंधन के हिमायती हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा रही है और इसको लेकर अभी भी ये प्रयास है कि आने वाला समय में पूर्ण तरीके से झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, इसके लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा दृढ़ संकल्प है और इसके तहत हम अभी भी चाहेंगे कि इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई दुविधा ना बचे। आप किसको दोषी मानते हैं इसके लिए कि स्वरूप तय नहीं हो पाया, महागठबंधन का तस्वीर नहीं था? अब चूंकि बैठकें कई हुई हैं, कई बार चला है, लेकिन इसका औपचारिक रूप से ये शेप नहीं लिया है, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि महागठबंधन का चेहरा स्पष्ट होना चाहिए कि वो किस तरीके के चेहरे के रूप में रहेगा। अब इसमें सभी लोगों को और सभी दलों की भूमिका है, इसमें एकमात्र एक दल की बात नहीं कही जा सकती है। जो भी सहयोगी दल है और विशेषकर जो नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, जो देश की बड़ी दलों के रूप में है, उनकी भूमिका अहम होती है। क्षेत्रीय राजनीति में तो हम इस विषय पर मजबूती से खड़े हैं, लेकिन जब पूरे देश की बात है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इन सभी पर, केंद्र से लेके राज्यों तक, एक जो मुहिम है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, उसको और मजबूत करने के लिए सभी लोगों की अहम भूमिका के रूप में, जो देश के पैमाने में दलें हैं, उनकी भूमिका अधिक। अच्छा, ये बात मंत्री, ये बोलिए, जो कोलेबेरा में जो हार हुई है, तो आप मानते हैं कि झामुमो की हार है, यानी मैं तो जीत की हार है, क्योंकि क्यों उसका जमानत तक जब्त हो गया, आप बकायदा विरोधी के नाम पर पता नहीं महागठबंधन जमानत जो जब्त हुआ है सुरक्षा कि उससे नहीं बाहर हुआ, निकल गया, जब 20,000 वोट चाहिए 16,000 हमको ये नहीं पता, लेकिन जो भी है कि हाँ ये बात जरूर है कि जीत हुई है, इसके लिए तो मैं बधाई दे ही रहा हूं, लेकिन वोटों में भी बहुत बड़े पैमाने में बिखरा हुआ है।